तो ये कहानी है एक लड़की की जिसे किडनी की ज़रूरत होती है और उसे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किसी की ज़रूरत होती है जो उसे अपनी किडनी दे सके। तो इसके लिए वो किसी को ढूंढना शुरू करती है और ढूंढने के बाद उसे एक लड़का मिलता है जो कि उसे अपनी किडनी देने के लिए तैयार हो जाता है। और उस लड़के को होती है एक दिमागी बीमारी, यानी कि उसे एक ब्रेन डिजीज़ होती है। तो अब इन दोनों की लाइफ में आगे क्या क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी वीवा ला वीदा, जिसका ओरिजिनल जो नाम है वो है वो मैन यी की याओ ताई यांग। तो ये है एक चाइनीज़ मूवी जिसका नाम है वीवा ला वीदा, शायद मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ, अगर कोई गलती होती है तो माफ़ करना। लेकिन और ये ओरिजिनल लैंग्वेज में ही आई है, यानी कि चाइनीज़ में ही आई है, और इसमें थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ और थोड़े बहुत इमोशंस के साथ मिक्स करके जो एक अच्छा सा मूवी में मतलब तुम्हें सब कुछ देखने को मिलेगा, मेडिकल यानी कि इन दोनों की डिजीज़ और इन लोग की लाइफ के अराउंड, तो वो सब देखने के लिए तुम्हें अपने 2 घंटे देने होंगे वीवा ला वीदा पे। और पता नहीं, मुझे बस ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि ये थोड़ी तो अच्छी मूवी जाने वाली है, क्योंकि इट्स फील सो जॉयफुल, आई डोंट नो, मतलब भले ये लोग बीमार हैं लेकिन ये लोग अपनी लाइफ को फुलफिलमेंट के साथ कैसे जिएंगे और इन लोगों की लाइफ में क्या क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी वीवा ला वीदा। तो मैं मिलती हूँ किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, अब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओह हाँ, एक बात और याद आई, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं मिलूँगी इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय बाय।